सभी किसान भाइयों को जय किसान। साथियों, जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते होते हैं, आज भी अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। और कुछ अच्छी खबरें हैं आपके लिए आज के भावों के अंदर। मुख्यतः अपने चर्चा करेंगे नरमा के ऊपर, सरसों के ऊपर, गवार के ऊपर और थोड़ी सी चर्चा करेंगे धान के ऊपर। जैसे ही और साथी जुड़ जाएंगे अपने चर्चा शुरू करेंगे। और साथी जुड़ जाएं, लगभग 50-60 साथी जुड़ गए हैं। जैसे ही 100 साथी हो जाएंगे, सारे साथी वीडियो को आगे बढ़ा दें। और आप सबका दिल से धन्यवाद साथियों, आप सब लोग बहुत प्यार दे रहे हो वीडियोज को। आप सब लोग बहुत मान सम्मान दे रहे हो, बहुत शेयर करते हो, बहुत लाइक करते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है साथियों। और जब तक आपका ये प्यार मिलता रहेगा, तब तक मैं कोशिश करूंगा मेरी ओर से जैसे कि मैंने आज तक की है, पिछले 7-8 साल से कोशिश की है कि किसान भाइयों के लिए कुछ अच्छा लेके आए, कुछ नया लेके आए। जी, वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे साथियों सरसों की। देखिए, मैंने एक कल इशारा किया था कि सरसों के अंदर अब बहुत बड़ी मंदी तो नहीं है। अगर तेजी भी होगी तो भी छोटी होगी, मंदी भी होगी तो वो भी छोटी होगी। पहली बात, अब सरसों के अंदर मंदी नहीं है। आज जितनी भी एनसीडेक्स के जानकार लोगों से बात हुई, आज जितनी भी सभी भाइयों के साथ बातचीत हुई, जो ट्रेडर्स लोग हैं उनके साथ बात हुई, तो सबका ये कहना था कि सरसों अब बाजारों के अंदर बहुत कम मात्रा में आ रही है। और सरसों के अंदर अब लंबा जो है मंदा, अगर अपने बात करें तो साथियों, मंदा अब दिखाई सरसों के अंदर जो है वो नहीं दे रहा है। मैंने कल भी इशारा किया था कि मंदा नहीं आने का कारण यही है कि अब जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ट्रेडर्स ब्रोकर्स हैं, सबके पास जो है अब सरसों की कमी है। और जो आने वाली हमारी फसल है वो उसमें अभी टाइम लगेगा। मान के चलिए आप कि 2 महीने का समय लग सकता है, 2 से थोड़ा बहुत, कोई कुछ जगह पे जल्दी आ सकती है सरसों। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 2 महीने का जो है समय लग जाएगा। मौसम खराब है साथियों, सभी अभी साइट्स चेक देखी हैं, सबके अंदर बताया गया है। अभी शाम को जो अखबार छपते हैं उनके अंदर भी ये लिखा गया है कि मौसम खराब है, ओलावृष्टि हो सकती है राजस्थान के अंदर। भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि बच्चों की तरह पाली हुई हमारी फसल है, किसान भाइयों की सबकी फसल है, कोई ऐसा नुकसान ना हो। बरसात हो जाए अच्छी बात है, लेकिन कोई और नुकसान नहीं हो, यही प्रार्थना है भगवान से। तो साथियों, बात करें अपने सरसों की, तो सरसों के अंदर बड़ा मंदा नहीं है भाइयों। कोई भी ऐसा कारण नहीं लगता कि सरसों के अंदर अब मंदा आ सकता है। नई फसल आने तक तो एटलीस्ट मंदा नहीं है, आगे जो नई फसल आएगी उसके अंदर क्या रहेगा वो अपने को आने वाला समय बताएगा। उसकी जो कहानी है वो सारी अपने को आने वाले समय के अंदर पता लगेगी। आज सरसों के अंदर मामूली सुधार हुए, कुछ एक मंडियों के अंदर 50 से लेके 95 रुपए तक, 90 रुपए तक सुधार हुए। कुछ एक मंडियों के अंदर 50 से लेके 80 रुपए तक के सुधार हुए साथियों। तो कहानी ये है कुल मिला के कि लंबा जो बड़ा मंदा है वो सरसों के अंदर साथियों अब नहीं दिखाई दे रहा है। सुधार हो सकता है, मैंने कल भी बोला था, परसों भी बोला था, आपको आज भी बोल रहा हूं, सुधार हो सकता है। लेकिन कोई ये कहे कि सरसों में 1000 रुपए, 1500 रुपए का सुधार 2 दिन में हो जाएगा, तो वो गलत बात है, वो नहीं हो सकता। सुधार हो सकता है लेकिन छोटा सुधार होगा, छोटा छोटा टुकड़ों के अंदर एक सुधार साथियों हो सकता है कि जैसे पहले सरसों के अंदर हुआ है वैसा भी थोड़ा बहुत सुधार हमें देखने को मिल जाए। सरसों के रेट की बात करें साथियों, रायसन नगर के अंदर 6790 रुपये, धौलपुर के अंदर 6895, संगरिया के अंदर 6780, गंगानगर के अंदर 7010 रुपये, बीकानेर के अंदर 7005 रुपये, जोधपुर के अंदर 7225 रुपये, कोटा के अंदर 6960 रुपये, कैथल के अंदर 7375 रुपये, अलवर के अंदर 7230 रुपये, एलनाबाद के अंदर 7420 रुपये, नोहर के अंदर 6720 रुपये, दादरी के अंदर 7210 रुपये, सिरसा के अंदर 6560 रुपये, गंगापुर सिटी के अंदर 7270 रुपये, आदमपुर के अंदर 6860 रुपये, दिल्ली के अंदर 7160 रुपये, जयपुर के अंदर 7512 रुपये और भरतपुर के अंदर जो है 7228 रुपये साथियों सरसों बिकी है। थोड़ी चर्चा दूसरे साथियों पे दूसरी फसलों पे कर लें, तब तक जो है एक निवेदन कर दूं आपसे साथियों।
नरमे की जो है अपनी चर्चा सबसे लास्ट में करते होते हैं वो भी करेंगे साथियों। नरमे के अंदर अच्छी खुशखबरी है, वो भी आपको बताऊंगा। यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल है किसान राजा हेयर, आप हिंदी में लिखेंगे तो वहां भी आप लाइक कर दें, उसको भी लाइक कर दें, क्योंकि दिन में जितनी भी पोस्ट डालता हूं मैं सारी यूट्यूब के ऊपर डालने की कोशिश करता हूं साथियों, क्योंकि दिन में भी फसलों के भाव के अंदर बदलाव होते रहते हैं, तो वो सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। थोड़ी बात कर लें अपने बासमती की, तो साथियों इसके अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि निर्यात नहीं है तो भाव मुश्किल है। जितना निर्यात इसका होना चाहिए था वो निर्यात इसका हो नहीं पा रहा है, तो बासमती के अंदर की बहुत बड़ी तेजी आपको कम से कम इस हफ्ते में तो देखने को साथियों नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। ग्वार की बात करें तो ग्वार भी स्थिर है, लेकिन है पॉजिटिव वे के अंदर, ग्वार में नेगेटिविटी नहीं है, ग्वार में मंदा दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि कल भी बताया था, हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए ग्वार के अंदर, समय के साथ इसके अंदर सुधार हो सकता है साथियों। असल में कहानी ये है साथियों कि ग्वार के अंदर अभी आवक नहीं है, आवक नहीं होने के कारण भी जो है साथियों, फिर भी ग्वार का अगर भाव रुका हुआ है तो कोई ना कोई लोचा ऐसा है जो अभी तक किसी भी एक्सपर्ट को समझ नहीं आ रहा। मैंने आपसे बहुत बार अनुरोध किया कि मैं तो आप जैसा एक किसान हूं, मैं तो कोशिश करता हूं सारी जानकारी इकट्ठी करके एक्सपर्ट लोगों से बात करके आपके तक पहुंचाने की। सौदा साथियों आप जो है अपने विवेक से करें, आपका ये मैं आपको निवेदन करूंगा। यूट्यूब का लिंक नीचे दे दिया विनोद जी सरण साहब ने, सारे साथी आप किसान राजा हेयर यूट्यूब चैनल भी लाइक साथियों कर लें। ग्वार के भाव की बात करें तो रायसनगर के अंदर 6100 रुपये, नोहर के अंदर 5900 रुपये, हनुमानगढ़ के अंदर 5740 रुपये, रावला के अंदर 5800 रुपये और गढ़साना के अंदर जो है 5710 रुपये जो है आज साथियों ग्वार बिका है। अब अपने बात करते हैं साथियों नरमे की। देखिए नरमे के भाइयों के तो वारे न्यारे हैं, जिन साथियों ने नरमा रखा था वो कहते हैं ना बहादुरों का भगवान भी साथी होता है। ये चीजें आपने बहुत बार सुनी होगी और खास करके क्रिकेट की कमेंट्री के अंदर सुनते थे अपने कि बहादुरों का भगवान भी साथी होता है। नरमे के बारे में आज मैंने दोपहर को एक वीडियो डाली थी, अगर अपने खड़ बिनोले की बात करें, अगर अपने जो गांठ आती है नरमे की, जो गांठें होती हैं उनकी बात करें, उसके मुकाबले में नरमा बहुत कम रेट में बिक रहा है, सभी मंडियों के अंदर कम रेट में बिक रहा है। गांठों का भाव 36,200 तक ऑलमोस्ट पहुंच गया है, लेकिन फिर भी जो है नरमे का भाव अभी जो जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है। खास करके बात करूं राजस्थान की, हरियाणा की और पंजाब की कुछ मंडियों की, जैसे अबोर मंडी होगी या इनके साथ जो टच करती हुई मंडियां हैं, नरमे के भाव के अंदर अब क्या फंडा है, ना तो सरकार बोल रही है ना कोई प्रशासन कुछ कर पाएगा, क्योंकि प्रशासन से हमने एक दो बार बात करने की कोशिश की, मैंने दोपहर वाली वीडियो के अंदर भी मेंशन किया था, लेकिन प्रशासन ये बोल देता है कि एमएसपी से ऊपर बिक रहा है, हमारे हाथ खड़े, हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, ये ट्रेडर्स का मामला है, ये जो व्यापारी लोग हैं यही करेंगे। कहीं कहीं नरमा 8600 भी बिक रहा है, बीच में साथियों ने बताया है, यानी कि जो नरमा आज 12,000 से ऊपर बिकना चाहिए वो नरमा 10,000 के अंदर बिक रहा है। आज कुछ एक मंडियों के अंदर जो है नरमा 10,000 भी हुआ है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि वो 10,000 का भाव सभी डेयरियों का नहीं था, वो 10,000 का भाव था वो इक्का दुक्का चुनिंदा डेयरियों का था साथियों। तो ये एक बड़ी समस्या वाली कहानी है। अब इसके पीछे क्या फंडा है, क्या लोचा है, व्यापारियों का है या किसका हाथ है इसके पीछे, वो तो भगवान जानता है, लेकिन साथियों ये एक बड़ा नुकसान किसान को आज हो रहा है। जिन किसानों ने इतना बड़ा सब्र किया, जिन किसानों ने इतना मतलब कि लंबा इंतजार किया, उनके साथ आज भी जो है कम से कम मैं कहूंगा 1,000-1,500 रुपये की क्विंटल की ठगी साथियों हो रही है। बाकी नरमे के अंदर आज तेजी देखने को मिली, सुबह से ही नहीं कल शाम से ही जो नरमे की गांठों का भाव था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नरमे के अंदर भयंकर तेजी है साथियों, बंपर तेजी है। सभी जो नरमे के जो फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव टिक लगे हुए हैं, उनके अंदर एक भी उसके अंदर नेगेटिव साथियों कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर आज सुबह भी एक पोस्ट डाली थी, फिर दोपहर को एक पोस्ट डाली थी और शाम को भी एक पोस्ट डाली थी, उसके अंदर मैंने कोशिश की थी सारा बताने की कि नरमे के अंदर मंदा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक और सिंगल एक फैक्ट है, वो ये फैक्ट है कि कोविड का फैक्ट है। अगर कोविड इफेक्ट नहीं करता साथियों, भगवान ना करे कि तीसरी चौथी कोई लहर आए, कुछ ऐसा हो, तो साथियों आपके नरमे को बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत अब रोकने वाली नहीं है।
ये हो सकता है एक ब्रेक आ जाए, एक ब्रेक के बाद कोई थोड़ा सा, जैसे मान लो 200 से लेके 300 का एक बार जो है आपको एक गैप देखने को मिल जाए, एक रुकावट देखने को मिल जाए, लेकिन ये बात तय है कि नरमे के अंदर अब कोई बहुत बड़ी गिरावट जो है साथियों देखने को नहीं मिल सकती। खास करके ये जो प्रेजेंट वीक है, ये जो हफ्ता चल रहा है, ये सप्ताह जो चल रहा है, इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी इसके अंदर गिरावट हमें देखने को साथियों मिलेगी। बिल्कुल पॉजिटिव वे में है नरमा, अच्छे स्तर के ऊपर है नरमा, अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर बिल्कुल तयशुदा बात है कि आपके नरमे की फुल डिमांड है, पूरी डिमांड है। बेईमानी है, नियत में खोट है तो वो कुछ व्यापारियों के है, मैं डेफिनेटली बोलूंगा, चाहे किसी को बुरा लगे तो लाख बार लगे, लेकिन किसान का जहां भी नुकसान होता है साथियों, वो बर्दाश्त नहीं होता, वो बर्दाश्त से बाहर होता है। इतनी मुश्किल से किसानों ने नरमे को पाल पोस के बड़ा किया, पानी की कमी थी, फिर मौसम खराब हो गया, बीच में 100-100 डंगे अड़के, पानी सरकारों ने खेत में लगाने को नहीं दिया, फिर नरमे का झाड़ कम रह गया। कुछ रिकवरी करनी चाहिए कि चलो झाड़ कम रहेगा तो भाव अच्छा रह गया, लेकिन उसके अंदर भी अगर कोई बेईमानी करे तो सच में ये दुख वाली बात है साथियों, इससे दुखद बात जो है कोई और साथियों नहीं हो सकती। नरमे में तेजी है, निश्चिंत हो जाइए, तेजी है, ब्रेक आ सकता है। आज मैंने अभी इंटरनेशनल साइट से सारी थी वो चेक की थी, वीडियो बनाने से पहले मेरी आदत है, मैं कोशिश करता होता हूँ कि सारी साइट सारे फैक्ट जो है अपने चेक करें, क्योंकि आपको कहीं भी मेरी वजह से नुकसान नहीं हो जाए ये मेरा मन कभी नहीं चाहता। और मैं पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये प्रैक्टिस वीडियो होती है, एक्सपर्ट लोगों की राय के ऊपर बनाई जाती है, कोशिश करते हैं सारे अच्छे आंकड़े जो है इकट्ठे करके आप तक पहुंचाऊं। सौदा फिर भी आप अपने रिस्क पे करें साथियों, दिन में कम से कम 100 फोन आते हैं, 150 फोन आते हैं, मैं उन सबको एक ही बात बोलता हूं, मंदी तेजी में बता सकता हूं साथियों, सौदा आपने अपने हिसाब से अपने विवेक से करना है। तो नरमे के अंदर कहीं मंदे की कहानी नहीं है साथियों, अच्छी तेजी बनी हुई है नरमे के अंदर। अभी शाम को थोड़ी सी एक तुच्छ सी गिरावट थोड़ी सी देखने को नरमे के अंदर मिली है, उसकी मैं पूरी जानकारी आपको रात को भी मैं कोशिश करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल जो किसान राजा हेर के नाम से है उसके ऊपर रात को भी एक अपडेट देता होता हूं कि सुबह नरमे का क्या रुख रहेगा, और यहां भी कोशिश करता हूं पोस्ट में डाल देता होता हूं, आप सारे भाई थोड़ा सा टाइम मिले तो थोड़ा सा आप चेक कर लें, अगर किसी भाई का फायदा हो जाए तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। साथियों नरमे के भाव की बात करें तो बड़े अच्छे और बड़े सुंदर और मन को सुकून देने वाले भाव थे, लेकिन दुख वही है कि जितना भाव होना चाहिए था उतना भाव साथियों नहीं है। खड़ जो है 3800 और बिनोड़ा 4000 को टच कर गया है, लेकिन कहानी वही है साथियों कि ये जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है किसानों के खिलाफ, उसकी वजह से जो है ये नरमे के अंदर तेजी नहीं आ रही है। गढ़साना के अंदर 9710 रुपए, रावला के अंदर 9700 रुपए, नरवाना के अंदर 9000 रुपए मात्र। अब देखिए कुछ मंडियों में 12000 तक नरमा बिक गया, कुछ मंडियों में 10000 आज बिका है, लेकिन नरवाना के अंदर नरमा 9000 बिका है। फतेहाबाद के अंदर मात्र 9100 रुपए क्विंटल, और इतनी तेजी होने के बावजूद गंगा विजयनगर के अंदर 9700 रुपए, यहां आज भगवान ने थोड़ी सुदबुद्ध दी है, थोड़ा कृपा हुई है भगवान की, थोड़ा सा भाव यहां पे हिला है। साधुल शहर के अंदर 9720 रुपए, संगरिया के अंदर 9620 रुपए, पीलीबंगा के अंदर 9620 रुपए, रायसेनगर के अंदर 9610 रुपए, रावतसर के अंदर 9510 रुपए, गंगानगर के अंदर 9750 रुपए, एलनाबाद के अंदर 9412 रुपए, आदमपुर के अंदर 9400 रुपए, पदमपुर के अंदर 10000 रुपए, सिरसा के अंदर 9400 रुपए, केसरी सिंहपुर के अंदर 10000 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 9860 रुपए, अकोला मंडी है महाराष्ट्र की, वहां भी आज नरमा जो है 10510 रुपए बिका है। हनुमानगढ़ के अंदर 10021 रुपए सौदा हुआ है, सूरतगढ़ के अंदर 9650, अबोहर के अंदर 9380, बट्टू के अंदर 9480, और गोलूवाड़ा मंडी के अंदर 9800 रुपए जो है साथियों सौदा आज नरमे का हुआ है। यानी कि एक भाव 9000 रुपए और एक भाव जो है 10000 रुपए, और कुछ मंडियां मध्य प्रदेश की है वहां नरमा 12000 के करीब भी बिक रहा है। दुख इसी बात का है साथियों कि ये नरमे का भाव एक होना चाहिए, जब पूरे देश के अंदर नरमे की गांठों का भाव जो है वो एक है, पूरे देश के अंदर खड़ बिनोले का भाव लगभग लगभग सेम है, तो फिर इतना बड़ा धोखा किसान के साथ हो रहा है कि ये जो नरमा आज 11000 से ऊपर बिकना चाहिए वो नरमा जो है लगभग जो है लगभग लगभग अभी सारी मंडियों के अंदर अगर औसत में निकालूं तो 9500-9600 ही नरमा जो है बिक रहा है। साथियों जैसे ही कल कोई सूचना मिलेगी आपके साथ दोबारा रूबरू होऊंगा, पुनः आपसे निवेदन कर दूं कि किसान
राजा हेयर के नाम से चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, सभी साथी आप बहुत मान सम्मान बहुत प्यार देते हो, मैं कोशिश करता रहूंगा मेरी ओर से जो किसानों किसानी के जो जो मुद्दे हैं उनको उठाता रहूं और आप सबका ऐसे साथ मिलता रहे। कल पुनः आपसे मिलूंगा साथियों, किसान एकता जिंदाबाद।